bit speak about my personal experience with Guru Maharaj. Every year I used to say, मैं नोएडा टेम्पल के इनाग्रेशन में गया था जब न्यू दिल्ली में था, तो महाराज जी की दर्शन हुआ वहाँ पर, और उनके दर्शन से मेरा हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति का जो बीज वो अंकुरित हुआ, और उसी दिन से मैं वृंदावन में फिर उनसे मिला, फिर वृंदावन के मिल करके उनसे आशीर्वाद लिया, फिर उसी समय प्रभुदानंद महाराज न्यू ड्यूटी डायरेक्टर थे, तो उनसे मिल करके महाराज जी के साथ इंस्पायर्ड हुआ, फिर उसके बाद संग हुआ, तो उसी दिन से मैं व्यास पूजा का सेलिब्रेशन दिल्ली से लेकर के यहाँ तक करा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है व्यास पूजा का क्या अर्थ है, व्यसति वेदान इति व्यासः, वेद व्यासः, व्यसति इति उत्ते खंडयति, जो विभागकरण करते हैं वेद को अथवा जो शास्त्र है, तो यहाँ व्यास पूजा का अर्थ है जो आचार्य आकर के अपने जन्मतिथि पर सारे इस संसार में प्रकट हुए हैं, जो लोगों को परंपरा के माध्यम से ग्रंथों का संकलन करके वितरण करते हैं, और जीवों का उसी के माध्यम से क्या होता है ना, उद्धार होता है। इसी के कारण इसी उत्सव में हम लोग उनको स्मरण करते हैं, स्मरण करके हम लोग क्या करते हैं ना, अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त सारे नियम को ही रिवाइव करते हैं जो इसके अंदर वर्णन है, और उसी को स्मरण करके फिर अच्छी तरह से पालन करने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि उनके आज्ञा हमारे हृदय के अंदर सदा संचारित हो और हम उसी को सही तरीके से हृदय के साथ पालन करने के लिए समर्थ हो। इसी कामना के साथ, उनके आशीर्वाद की कामना के साथ मैं आज यहाँ पर अपना इस छोटा सा ऑफरिंग समाप्त करता हूँ। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय, निदाय गौर प्रेमानंदे।